डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास फिफ्थ से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कह रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60% कंप्लीट इन 20 मिनट, हाउ लॉन्ग विल द रिएक्शन टेक्स टू बी 84% कंप्लीट। ऑप्शन ए दिया है 54 मिनट्स, बी दिया है 68 मिनट्स, सी दिया है 40 मिनट्स, और डी दिया है 76 मिनट। आपसे कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और वो 60% कंप्लीट हो जाती है 40 मिनट में, ठीक है ना। तो इसके बाद कह रहा है कि वो 84 जो है परसेंट कितने मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखो, आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है k इक्वल टू होता है 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, वेयर ए जो होता है वो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और ए माइनस एक्स जो होता है एट 20 मिनट या टाइम टी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि जो ब्रेक होने के बाद, जो डिसोसिएट होने के बाद जो कंसंट्रेशन बची है वो होती है। अब आपके पास में दो लॉजिक हैं। देखिए, आपको एक बात यह मालूम है कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दोनों ही रिएक्शन के लिए, एक सेम रिएक्शन के लिए जो होती है वो क्या होती है, समान सेम रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 60% की, तो 60% कंप्लीट हो गया और ये 84% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, ये बचा 40% और ये कितना बचा, 16% बचा। इसका मतलब है कि इसके लिए a की वैल्यू जो होगी वो 100 हो जाएगी और a माइनस एक्स की वैल्यू 40 हो जाएगी। चलो लिख लेते हैं, तो ये k इक्वल टू हो गया 2.303 बाई टी, टी इसके लिए कितना है 60% की, टी की वैल्यू टाइम कितना है 20 मिनट, और ये हो जाएगा लॉग, a की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में 100 थी, बची कितनी, बची 40। यहां पर हो जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी, टी कैलकुलेट करना है, और लॉग शुरुआत में कितनी थी 100 थी, बची कितनी 16%, कंसंट्रेशन कितना बचा 16, ठीक ठीक। अब ये दोनों के की वैल्यू सेम है, तो भाई इसके लिए इसको इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 बाई 20 और लॉग हो जाएगा 10 बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी और ये लॉग हो जाएगा 100 बाई 16। अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये टी इधर साइड आ गया, तो ये टी बाई 20 हो गया, ये पोर्शन उधर साइड चला गया, तो ये पोर्शन जब उधर साइड गया तो क्या हो गया, ये हो गया लॉग 100 बाई 16 डिवाइडेड बाई हो गया जाके लॉग 10 बाई 4। तो भाई t बाई 20 इक्वल टू हो गया जाके log 100 को लिख देंगे, log 10 पावर 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log 10 पावर 2 माइनस हो जाएगा log 2 की पावर 4, 2 की 16 को 2 की पावर 4 कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ पर इसको कर दिया क्या log 10 और माइनस हो जाएगा log 2 की पावर 2, 4 जो होगा 2 की पावर 2 हो जाएगा, सही है ना।
अब ये हमारे पास आ जाएगा क्या, t बाई 20 इक्वल टू लॉग 2 टेन पावर 2 को क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और माइनस 2 की पावर 4 जो होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 2 लॉग 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है वो ये वैल्यू, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी और माइनस 2 की पावर 2 जो होगा वो 2 लॉग 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होती है तो 0.3 लिख दिया, डिवाइड बाई हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू आपका हो गया जाके 2 माइनस 1.2 हो गया ऊपर और नीचे 1 माइनस 0.6 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मेरे पास क्या आ गया, आ गया मेरे पास t बाई 20 इक्वल टू है 2 माइनस 1.2 0.8 हो जाएगा और 1 माइनस 0.6 0.4 हो जाएगा। अब ये पॉइंट पॉइंट हट गया और ये क्या आएगा 2 आ गया, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू जो होगा वो 20 इंटू 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 40 मिनट्स। आंसर जो होगा वो आपका सी आंसर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका, इस क्वेश्चन का सी आंसर करेक्ट होगा।